उधमपुर में दो धमाके हुए हैं, हालांकि बहुत ही सेंसिटिव कहा जा रहा है, लेकिन कुछ क्लैरिटी अभी तक नहीं हो पाई है। जांच का विषय है, बस पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है, कोई आहत नहीं हुआ है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कुछ दिनों में ही अमित शाह जी का दौरा और जिस तरीके से धमाके हुए हैं, क्या कहेंगे इस पूरे? ऐसा है कि जम्मू कश्मीर आज शांत प्रदेश बना, विकास वाला प्रदेश बना, टेररिज्म से टूरिज्म की ओर बढ़ा, कुछ लोगों को पच नहीं रहा, वहां लोकतंत्र में इतना विश्वास तेजी से बढ़ता हुआ, जम्मू कश्मीर वो भय व भ्रम पैदा करने का षड्यंत्र करने की कोशिश करती, आगे भी किया था, पहले भी फेल हुए, जिन्होंने भारत के नागरिक को हत्या की उन्हें कब्र में पहुंचाया गया था, अब भी जो लोग भारत के नागरिकों को मार रहे हैं, देश की एकता अखंडता पर प्रहार कर रहे हैं, बख्शे नहीं जाए। लेकिन पूरे देश में जिस तरीके से पीएफआई और उससे उसके अलावा अलग जो टेरर लिंक वाले ऑर्गेनाइजेशन है उसको केंद्र सरकार ने बैन कर दिया है, उसके बाद इस तरीके की जो घटना को अंजाम दिया जा रहा है, क्या उससे मैं बधाई देता हूँ देश के गृहमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को, जिन्होंने देश के खिलाफ चलाए जा रहे षड्यंत्रों में शामिल पीएफआई को प्रतिबंधित किया है, और देश के लगभग एक दर्जन से ज्यादा सरकारों ने पीएफआई जैसे कूट षड्यंत्र को कुचलने के लिए, समाप्त करने के लिए, उसका पर्दाफाश करने के लिए देश की केंद्र सरकार का सहयोग किया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और हमारी सरकार की वचनबद्धता है देश के हर नागरिक की सुरक्षा और जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म। एक तरफ पीएफआई के जो अब्दुल सत्तार है उन्होंने ये कहा है कि हम खुद भंग कर रहे हैं इसको, हम देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, और दूसरी तरफ ट्विटर ने भी बैन किया हुआ है पीएफआई को, कई सारी डिफरेंट खबरें पीएफआई से जुड़ी। ऐसा है कि जो लोग आईएसआईएस के साथ मिलकर एक षड्यंत्र बुन रहे थे, देश को दहलाने की कोशिश कर रहे थे, जो भारत को सीरिया बनाने की कोशिश कर रहे थे, देश की सरकार ने और लगभग एक दर्जन स्टेटों की सरकारों ने मिलकर देश के खिलाफ किए जा रहे षड्यंत्र को समाप्त किया है। भारत सुरक्षित हाथों में है, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो देश के हर नागरिक की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है, और खुद प्रधानमंत्री देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए जीरो टॉलरेंस ऑफ टेररिज्म के लिए जाने जाते हैं। किस बयान आया, लालू यादव का बयान है, कई सारे बयान आए हैं कांग्रेस की तरफ से भी, अलग अलग लीडर्स जो बयान दे रहे हैं कि आरएसएस, बीएचपी, बजरंग दल, इन सबको आखिर बैन क्यों नहीं किया गया, ये सांप्रदायिक हिंसा जो फैलाते हैं, हिंदू के सांप्रदायिक जिस तरीके से बात ऐसा कि ये मानसिकता से कुंठित लोगों के दिमाग का मकड़ जा रहा है। देश से नकारे हुए लोग, हताश निराश लोग जानबूझकर राष्ट्रवादी शक्तियों की तुलना देश तोड़ने वालों के साथ कर, एक तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो सुबह दिन की शुरुआत मातृभूमि को पूजकर, इस राष्ट्रभूमि को पूजकर, इस धरती को, इस मातृभूमि को भगवान मानकर चलने वाला संगठन है, और दूसरी तरफ आईएसआईएस के इशारों पर देश तोड़ने के प्रयास करने वाले लोग हैं, इसकी तुलना करना ही मूर्खता है। एक तरफ राष्ट्र के लिए मरना, राष्ट्र के लिए जीना, राष्ट्र के लिए जीवन समर्पित करने वाले लोग हैं, एक तरफ दूसरे देशों के इशारों पर राष्ट्र को तोड़ने वाले लोग हैं। ये तुलना करने वाले ओवैसी साहब हो या लालू प्रसाद यादव हो, ये उनके मानसिक दिवालियापन की निशानी है। एक अंतिम सवाल, राशन, अनएम्प्लॉयमेंट, काफी सारी समस्याएं हैं, देश जिस ओर बढ़ रहा है उस पर फोकस है राहुल गांधी जी का भी, और इंटरनल जो भी इश्यूज है वो तो हम रिजॉल्व कर लें, जिन्हें उनकी प्रदेश, उनकी पार्टी नेता मानने को तैयार नहीं है, उनसे अपनी पार्टी सिमट नहीं रही, और वो झूठे भ्रम वाले बयान दे रहे, देश पिछले 8 वर्षों से आगे बढ़ा, करोड़ों लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया गया, लगभग 50 करोड़ परिवारों के अंदर, 50 करोड़ लोगों के जीवन के अंदर बड़ा परिवर्तन आया,
अब जिन्हें इटली का चश्मा लगा हो उन्हें भारत कहाँ दिखता।